हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग कई बार हिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोगों को लिखा मिलता है कई जगह गवर्नर, कई जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय। बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है, बस 2 मिनट का वीडियो देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। देखो भाई, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब भारत आई थी, तो उस टाइम पे देखो मैं यहाँ पर आपको कंक्वेस्ट बताता हूँ। भारत में जब ब्रिटिशर आए तो इन्होंने सबसे पहले राज कहाँ पर किया, बंगाल को कंक्वेस्ट किया। इसके बाद ये नीचे मैसूर आए थे, इसके बाद मैसूर के आसपास की जो प्रेसिडेंसी थी ये सब इन्होंने होल्ड करी, बीच में मराठा था और ऊपर ये सिख था। तो अल्टीमेटली ये लोग जब सबसे पहले बंगाल आए थे, तो बंगाल जब आए तो बंगाल में एक पोस्ट डिसाइड करी गई, इसको बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहां से प्रावधान आया गवर्नर ऑफ बंगाल का। और पहला गवर्नर बंगाल का कौन था, ये था रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो होता क्या है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, इसके तहत क्या कर दिया गया कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाता था, इसी पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसी तरीके से गवर्नर बॉम्बे के होते थे और मद्रास के गवर्नर होते थे। लेकिन यहां पर एक चीज खास बात थी, ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर होते थे, ये दोनों रिपोर्ट किसको करते थे, ये दोनों रिपोर्ट करते थे बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो देख रहा हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो बंगाल में जो शासन कर रहा था, बंगाल में जो अथॉरिटी थी, उसको बोला गया गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद 1773 के एक्ट के साथ क्या कर दिया गया, उसी पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब इसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा गया, तो बॉम्बे और ये मद्रास दोनों के गवर्नर्स इसी को रिपोर्ट करने लगे। अब देखिए आगे क्या हुआ, आगे 1833 जैसे ही आया, तो 1833 के एक्ट के साथ ही ये जो हमारी पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह अब इसको बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने देखा कि पहले ये था गवर्नर ऑफ बंगाल, इसके बाद फिर ये बना 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अब ये 1833 एक्ट के तहत ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी दोनों इसी को रिपोर्ट करती थी। अभी यहीं तक बात नहीं खत्म होती है, 1833 एक्ट के साथ ये सारी चीजें चलती रही। इसके बाद क्या हुआ, 1858 का जो एक्ट पास किया गया, इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, वायसराय रख दिया गया। अब जो वायसराय था, ये पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, He was the first Viceroy of India and also the last Governor General of India. ठीक है, क्योंकि यही जब रूल कर रहा था तभी 1858 का एक्ट आया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, Viceroy में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से सबसे पहले गवर्नर हुए, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद उसी पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी उसको रिपोर्ट करने लगी, तो उसी का नाम क्या रख दिया गया, बंगाल के ही गवर्नर का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। और इसके बाद फाइनली 1858 के एक्ट के तहत उसी को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, वायसराय की अगर बात करें तो एक तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर होता था, ब्रिटिश ब्रिटेन में जो सरकार चल रही होती थी, उसका डायरेक्ट सबॉर्डिनेट एक भारत में, कहने का मतलब कि उसके बिहाफ पर वो भारत में रूल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वायसराय। ओके, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का सबॉर्डिनेट कौन होता है स्टेट में, गवर्नर होता है, उसी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत बैठी तो हुई थी ब्रिटेन में, लेकिन भारत में शासन कराने के लिए अपना सबॉर्डिनेट क्या था उसका, वायसराय था। आई होप वीडियो आपको समझ आया गया होगा, बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने बताया है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं, करंट अफेयर आप लोग डेली मेरे देख सकते हैं, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। और अन अकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप क्रैश कोर्सेज मेरे अन अकेडमी पर करना चाहते हैं, तो ये है मेरा रेफरल कोड Varun777, इसका यूज करके 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।